हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेंटेक्स रॉयल कैप्सूल टेंटेक्स फोर टेबलेट के बारे में कि इसमें से दोनों में से कौन सा अच्छा होता है, कैप्सूल या टेबलेट। क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो सेक्सुअल प्रॉब्लम में करते हैं, सेक्स डिजायर बढ़ाने के लिए, शीघ्र पतन के लिए, नाइट फॉल के लिए, इन सब में जो है दोनों का यूज किया जाता है। लेकिन कौन सा बेस्ट होता है, कौन सा अच्छा होता है और किसका अच्छा रिजल्ट होता है, किसको आपको खरीदना चाहिए, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे टेंटेक्स रॉयल और टेंटेक्स फोर टेबलेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंटेक्स फोर टेबलेट के बारे में, इसका यूज क्या होता है। इसका यूज यही होता है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नाइट फॉल की प्रॉब्लम है, शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है, स्वयंपन दोष की मतलब नाइट फॉल की प्रॉब्लम है, किसी की मतलब होता क्या है, जब वो सेक्स परफॉर्म करते हैं तो अच्छे से वहां परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और पहले ही जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं। उनकी जो टाइमिंग होती है वो बहुत कम होती है और जो तनाव होता है वो भी कम रहता है, तनाव आता ही नहीं है, तो वहां पर इन टेबलेट और कैप्सूल का यूज किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो टेंटेक्स रॉयल कैप्सूल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल को जो है बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज करने का मतलब काम करता है, और जो ब्लड फ्लो होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। वहां पर अगर नसों में कोई प्रॉब्लम होती है, नसों में ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं होता है, तो ब्लड के फ्लो को अच्छा करने का जो है टेंटेक्स रॉयल कैप्सूल काम करता है। और किसी को जो है नाइटफॉल की प्रॉब्लम होती है और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ये सब प्रॉब्लम होती है, वहां पर इसका भी काम जो है सेम होता है। ओके, दोनों का ही। अब बात करते हैं इनमें डिफरेंट फिर क्या होता है, हमको कौन सा खरीदना चाहिए। डिफरेंट की अगर बात करें तो जो टेंटेक्स रॉयल टेबलेट होती है, टेंटेक्स फोर टेबलेट होती है, वो एक तरीके से बीड़े को गाढ़ा करने का काम करती है। ओके, और टेंटेक्स रॉयल कैप्सूल जो होता है इसमें एक क्वालिटी ज्यादा होती है। अगर किसी के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी होती है, स्पर्म काउंट की कमी होती है, ठीक, तो उसको बढ़ाने का काम करती है। अगर किसी में ये सब प्रॉब्लम है और उसमें स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, मतलब वीर्य में शुक्राणु की कमी है, तो टेंटेक्स रॉयल कैप्सूल का यूज करना चाहिए। सिर्फ यही इसमें एक क्वालिटी ज्यादा होती है, बाकी वर्क दोनों का सेम होता है। अगर किसी में शुक्राणु की कमी होती है तो कैप्सूल का ही यूज करे, ओके, टेबलेट का नहीं। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों कौन सा बेस्ट है। तो यहां पर मैं सजेस्ट करूंगा कि टेंटेक्स रॉयल कैप्सूल ही बेस्ट है। ओके, बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की या कौन यूज नहीं कर सकते। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है ना, तो वो इसका यूज नहीं कर सकते दोनों ही कैप्सूल और टेबलेट का। इससे पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना रहेगा, पूछना रहेगा कि हम खा सकते हैं या नहीं। तो ये इसकी पूरी जानकारी है। अगर समझ में आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं समझ में आई तो कमेंट करके पूछ लेना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।